गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा एंड ये मेरा सेगमेंट होने वाला है व्हाट टू बाय फ्रॉम नायका। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। फर्स्ट थिंग व्हिच आई हैव गॉट इज दिस सनस्क्रीन। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड ला शील्ड एंड आई वांटेड टू ट्राई आउट दिस ब्रांड सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट्स अ मेडिकेटेड ब्रांड और बहुत सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं इसको। सो वी आर गेटिंग 50 grams फॉर 550 rupees। सो इस पर कुछ मेंशन नहीं है कि ये ऑयली स्किन के लिए है या ड्राई स्किन के लिए है। इट्स जस्ट रिटन मैट सनस्क्रीन जेल। सो आई थिंक कि ये ऑयली स्किन के लिए होनी चाहिए। एंड आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है, तो आई थिंक अगर आपकी स्किन ड्राई भी है तो भी यू नो ये काफ़ी चल जाएगा। सिलिकोनी टेक्सचर है इसका, लाइक जैसा कि आपका प्राइमर का होता है। सो आई थिंक अगर आपको एक प्राइमर कम सनस्क्रीन चाहिए तो फिर डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यू नो ये काफ़ी आपकी स्किन को स्मूथ बना देता है। जो आपको एक मेकअप से पहले जिस तरीके का बेस चाहिए होता है आपको अपने फेस का, ये आपकी स्किन को वैसा ही बना देता है। देख सकते हो थोड़ा हल्का ग्लो भी आ गया है फेस पे इसको लगाने के बाद, एंड आई क्वाइट लाइक दैट। नेक्स्ट थिंग व्हिच आई हैव गॉट इज फ्रॉम लक्ज़री ब्रांड। दिस इज देयर मैक का मिनी स्टूडियो फिक्स लिक्विड फाउंडेशन। तो आपके जितने भी लक्ज़री आइटम्स हैं वो सारे इस तरीके के बॉक्स में आते हैं। सो आई हैव गॉट दिस वन फॉर ₹2500। इसमें ये आपको 30 ml का प्रोडक्ट मिलता है। आई नो इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट मुझे ट्राई करना था सो आई गॉट इट। तो अब मैं इसको अप्लाई करूंगी एंड मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा क्या यू नो टेक है इस पे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है यू डोंट गेट एनी पम्प। तो मुझे वो चीज़ इसकी बहुत बुरी लगी, क्योंकि आपको यू नो विदाउट पम्प थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्रोडक्ट को बाहर निकालना। आप देख सकते हो मैंने कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्ट ले लिया अपने हाथों पर। एंड दिस इज़ इन द शेड NC37। सो इन केस आप लोगों को यू नो आप मेरे कॉम्प्लेक्शन के हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो। एंड आई डोंट नो इफ इट विल मैच माई स्किन टोन और नॉट। लाइक आई एम वेरी होपफुल। मैंने भी काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ देखी एंड अपना स्किन यू नो टोन देख कर मैंने ये ऑर्डर किया है। सो लेट्स सी, आई जस्ट विश कि इट मैचेस माई स्किन टोन। ओके, सो दिस इज लुकिंग अ बिट येलोइश ऑन माई स्किन। आई डोंट नो, let me just blend it out. So I'm blending it with a beauty blender. Okay, so I think it matches my skin tone, but ये थोड़ा सा you know yellowish है, and I personally don't like that much yellowish foundation, and it also dries out around my nose. तो मुझे ये चीज़ इसकी पसंद नहीं आई। ऑल्दो इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन एंड मुझे एक फुल कवरेज फाउंडेशन चाहिए था काफ़ी टाइम से, बट आई थिंक आई विल स्टिल प्रेफर लॉरियल यू नो इनफॉलेबल फाउंडेशन, बिकॉज दैट इज मीडियम टू फुल कवरेज एंड यू नो काफ़ी अच्छा एक फिनिश देता है फेस पे। आई थिंक दैट इज बेटर दैन दिस वन। आई नो कि बहुत लोगों को यू नो मैक के फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड दिस इज़ देयर ओन पर्सनल चॉइस, बट फॉर मी दिस वन इज़ नॉट वर्किंग। सो आई रिग्रेट बाइंग दिस प्रोडक्ट बिकॉज आई हैव स्पेंड 2500 फॉर दिस बॉटल एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट थिंग विच आई हैव गॉट इज अगेन फ्रॉम मैक। आई थिंक ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम देयर यू नो लग्जरी रेंज। सो उन्होंने इस तरीके के पैकेट में दिया है इसको। इट्स देयर मैक मिनी लिपस्टिक। बहुत ही छोटा है। आई थिंक इट्स माई फर्स्ट मैक मिनी लिपस्टिक एंड इट्स रियली टाइनी एंड आई हैव गॉट दिस फॉर अराउंड 1100 rupees। एंड 1100 rupees में यू गेट जस्ट दिस मच ऑफ प्रोडक्ट आई थिंक विच इज़ रियली रियली लेस, बट आई जस्ट लव दिस शेड। आई जस्ट वॉन्टेड दिस शेड सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऑन नायका इट वॉज फॉर 1700, द बिगर पैकेज वॉज फॉर 1700 एंड एट दैट टाइम आई वॉज नॉट रेडी टू पे दैट मच। सो मैंने सोचा कि छोटा वाला ऑर्डर करके देखती हूँ
एंड इफ इट विल सूट मी एंड इफ आई लव द प्रोडक्ट आई विल ऑर्डर फॉर द बिगर वन. लेट मी सी इफ इट वर्क्स फॉर मी और नॉट. So I think I love the finish of this lipstick and especially its color. ये एक perfect pinkish purplish shade है and I wanted this kind of shade since a very long time. मेरे पास MAC की Ruby Woo and Relentlessly Red है and that is quite decent. बहुत long lasting है and उसका formula भी बहुत अच्छा है and this is also from the same family. And this formula is also perfect and I wanted this shade for its color, so I think it's worth. So whatever I have paid for this one is worth. Next thing which I have got is this Go-Go tint from Benefit. And it's called Benny tint. और बहुत ही you know you can see एक बहुत ही प्यारा सा shade है ये. So this is for your you know natural flushed looking cheeks. तो अगर आपको बहुत ज़्यादा heavy blush और lips नहीं अच्छे लगते हैं, in that scenario you can go for this one. So that's why I've got this and I'll apply it and share my review on this. मैं इसको अपने cheeks पे apply करके देखती हूँ अभी. So mostly I think you should use your finger to blend this. I think its color payoff is very good. तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा you know color आया है इसका. And you can apply it on your cheeks, you can apply it on your lips, you can also apply it on your you know eyes. Even if you have a textured skin, it won't highlight that. तो इसकी सबसे अच्छी चीज मुझे वही लग रही है. बहुत बार आप लिक्विड या फिर क्रीम ब्लश लगाते हो तो वो आपके टेक्सचर्ड स्किन को हाईलाइट करता है, बट दिस इज नॉट हाईलाइटिंग दैट. दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव. दिस कम्स फॉर ₹1200. तो 1200 रुपये में आपको एक यू नो छोटा साइज मिलता है. डेफिनेटली बहुत एक्सपेंसिव है, बट आई थिंक वर्थ है जस्ट बिकॉज इट्स नॉट हाईलाइटिंग योर यू नो एनी issues if you have any issue with your skin. Okay, now I'll move on to our drugstore brands. So the first thing which I have got from our drugstore brand is this color bar cheek illusion blush. And बहुत ही प्यारा blush है ये, because I have tried it once and मेरे को बहुत अच्छा लगा था. So this looks like this and थोड़ा सा shimmer है इसमें. This is you know a little shimmery. तो बहुत ज़्यादा chunky glitter particles नहीं है इसके. I'll show you. You know मेरे पास जितने भी blush हैं वो सारे pink shade के थे. So this is from like an orange family and मेरे को orangish blush चाहिए था. So that's why I've got this one. And because you know orange blush actually gives a very you know natural looking cheeks, so मैं इस वाले cheek पे इसको try करूँगी and I'll show you. Okay, so I think this is also very 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 pigmented and मुझे इसकी pigmentation बहुत अच्छी लग रही है. This is that perfect coral orangish color. And this is really looking nice. थोड़े बहुत shimmer particles हैं, but I think they are not you know that visible when you apply it on your cheeks. जब मैंने अपने hand पे swatch किया था, I was bit tensed कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही glittery निकलेगा, but thankfully ऐसा नहीं है. I like this blush. The shade name is Bronzing Glaze. And ये 674 रुपीस का था and after getting 20% discount I got this for 540 रुपीस. तो अगर आपको एक you know affordable range में कोई अच्छा सा blush चाहिए which is you know very pigmented and long lasting, तो I would definitely recommend this color bar one. So next thing which I have got is this Wet n Wild liquid eyeshadow. Shade name is Shells and Whistles. So I'll swatch it for you guys.
ओके, सो यू कैन सी इट्स अ वेरी प्रिटी, आई थिंक अ वेरी प्रिटी रोज गोल्ड काइंड ऑफ अ शेड. एंड आई एम टोटली इन लव विद दिस. सो यू आर गेटिंग 50% डिस्काउंट ऑन नायका, तो आपको आई थिंक ये डील बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए. आई थिंक दे हैव 4 शेड इन दिस रेंज एंड यू नो इट हैज़ अ वेरी गुड कलर पे ऑफ. तो अगर आपको अपनी आईज में बहुत ज़्यादा टाइम आप नहीं लगाना चाहते हो तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर लो, क्योंकि यू नो एज यू कैन सी इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी शेड. आई थिंक यू आर गेटिंग दिस फॉर 250 रुपीज़ आफ्टर लाइक 50% ऑफ डिस्काउंट. अनदर लिक्विड आई शेडो, तो दिस इज फ्रॉम दी ब्रांड स्विस ब्यूटी. आई थिंक दिस इज माई फर्स्ट स्विस ब्यूटी प्रोडक्ट, सो आई हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस वन बिकॉज आई हैव रेड लॉट ऑफ गुड रिव्यूज. तो मुझे लगा कि आई शुड गेट दिस वन. दिस इज फॉर अराउंड 160 और 170 रुपीज, विच इज क्वाइट रीजनेबल. ओके, सो यू कैन सी आई थिंक दिस इज मोर ग्लिटरी एज कम्पेयर टू दी वेट एंड वाइल्ड वन. इसमें कुछ ज़्यादा ग्लिटर्स हैं. दी वेट एंड वाइल्ड वन इज अ बिट यू नो सटल. ये जो स्विस ब्यूटी वाला है, अगर आपको किसी शादी या पार्टी में जाना हो तो डेफिनेटली दिस वन वुड लुक रियली फ्लैटरिंग. वाइल फॉर डेली वेयर एंड अगर आपको कहीं आसपास ही घूमने फिरने जाना है और इन अ मीटिंग, दिस वेट एंड वाइल्ड वन विल लुक रियली कूल. ओके, सो इट हैज़ लाइक लॉट ऑफ शिमर एज यू कैन सी. ओके, सो इट हैज़ अ बिट यू नो थिन कंसिस्टेंसी. जो आपकी वेट एंड वाइल्ड वाली है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है और इसकी बिल्कुल वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है. सो आई थिंक दोनों ही अपने अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं. ओके, सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट पार्टी काइंड ऑफ अ शेड एंड आई थिंक उसके ऊपर ये बहुत अच्छा लग रहा है. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर स्किन केयर प्रोडक्ट. तो स्किन केयर प्रोडक्ट में मैंने आपको बहुत ही रीजनेबल ऑप्शंस दे रही हूँ. सो दिस इज देयर, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड प्लम एंड दिस इज देयर ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश एंड दिस वन इज देयर प्लम ग्रीन टी एल्कोहल फ्री टोनर. नाउ आई जस्ट लव दिस टोनर. जैसे ही ये बॉटल फिनिश होती है आई ऑर्डर अ न्यू वन. सो इसके लिए आई थिंक मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव चीज़ें हैं एंड आई हैव ऑल्सो रिव्यूड दिस टोनर आई थिंक अराउंड 1 or 2 months बैक. इफ़ यू वॉन्ट आई गिव यू द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ पर जाके इसका रिव्यू देख सकते हो. एंड द सेकेंड थिंग विच हैव गॉट इज दिस प्लम ग्रीन टी फेस वॉश. सो दिस ऑल्सो आई हैव यूज्ड वंस एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी डिसेंट फेस वॉश. सो देर वॉज अ ह्यूज डिस्काउंट गोइंग ऑन प्लम. आई थिंक देर वॉज अराउंड 30% डिस्काउंट. तो मुझे दोनों ही बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल गया था एंड दैट्स वाई आई गॉट दीज टू. सो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी. आई थिंक इट हैज़ अ वेरी गुड कंसिस्टेंसी. आप देख सकते हो इट हैज़ अ जेल लाइक कंसिस्टेंसी एंड इसके अंदर ये छोटे छोटे बीड्स हैं इफ यू सी. तो ये हल्का सा यू नो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है. इट इज़ वेरी माइल्ड, मतलब जो ये बीड्स हैं छोटे छोटे ये बहुत ही माइल्ड है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे. तो आई डेफिनेटली लाइक दिस वन एंड दैट्स व्हाई आई हैव गॉट एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड फॉर दिस नायका सेल. दिस इज फ्रॉम लॉरियल पेरिस. दिस इज देयर प्योर क्ले मास्क. आई हैव ट्राई दिस वन पहले भी एंड बहुत ही मुझे ये रीजनेबल लगा. आप देख सकते हो दिस इज़ अ परफेक्ट जो क्ले मास्क होता है. काफ़ी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो यू नो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है एंड आपकी स्किन पे दिस डजंट यू नो एक वो टिंगली इफेक्ट नहीं देता है, एक बहुत ही कूलिंग सेंसेशन देता है.
एंड बहुत ही अच्छा एक स्मूथ फिनिश देता है आपकी स्किन को. सो आई हैव ऑलरेडी यूज इट वंस, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट. एंड स्पेशली व्हेन इट इज फॉर लाइक 375 रुपीज ओनली, व्हेन यू आर गेटिंग 50% डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट लाइक दिस, देन यू शुड डेफिनेटली ग्रैब दिस डील. सो दैट वॉज ऑल गाइज. आई होप कि मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प की होगी कि नायका पे आप क्या क्या ले सकते हो. एंड अगर आपको समझ में आ गया हो, कुछ पसंद आ गया हो, तो फिर आप डेफिनेटली मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए एंड यू ऑर्डर वॉट एवर यू लाइक. सो दैट वॉज ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. See you soon. Bye.